हेलो दोस्तों, दिस इज़ एम ए मल्लिक। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप आसानी से, बहुत आसानी से ईमेल एड्रेस कैसे बना सकते हो। क्योंकि हम लोग जो वाइपर वीपीएन का ऑफ़र कंप्लीट करते हैं, ज़्यादातर वाइपर वीपीएन में एक ईमेल में किसी को 500 में मिलता है तो किसी को 1 GB मिलता है। तो हम लोग काफ़ी सारे ऑफ़र्स कंप्लीट करते वक्त हमारे ईमेल, एक ईमेल में जितने डेटा मिलता है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर हम लोगों को वापस ईमेल बनाना किसी किसी को बहुत मुश्किल होता है। तो आप जल्द से जल्द आसानी से कैसे ईमेल एड्रेस बनाओगे वो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपना जीमेल को ओपन करेंगे। ये देखिए, ये जीमेल वाला आइकन आपके मोबाइल में होगा, ये जीमेल को ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपके जो भी अकाउंट इसमें होगा पहले से, अगर नहीं होगा तो लॉगिन कर लीजिएगा, पहले जो अकाउंट है उसको लॉगिन कर लीजिएगा, क्योंकि बिना जीमेल के तो किसी के भी एंड्रॉयड मोबाइल नहीं चलता है, प्ले स्टोर नहीं चलता है। तो जाहिर सी बात है आपके पहले से कोई ना कोई ईमेल होगा तो उसको यहाँ पे आप पहले लॉगिन कर लेंगे। देन आप ये जो देखिए ऊपर जो 3 लकीर है, ये लेफ़्ट साइड ऊपर कर्नर में जहाँ प्राइमरी लिखा है उसके बगल में, इसको टच करिए। तो यहाँ आपको देखेंगे जो आपकी ईमेल आईडी ऑलरेडी है, जैसे देखिए मेरा एक ईमेल आईडी यहाँ है, एक ये दूसरा है और एक ये तीसरा है, दिख रहा है। तो यहीं पे देखना आप, ये जो देखिए ये इस जगह पे इसको फॉलो करिए, ये जो आइकन दिख रहा है एक छोटा सा एरो जैसा, ये तो इसको आप टच करिए। टच करते ही आपको ऐसे देखिए यहाँ पे प्लस का निशान लिखा है और ऐड अकाउंट लिखा है, इसको आप क्लिक करिए। देन यहाँ पे जो गूगल लिखा है ऊपर टॉप पे, गूगल को क्लिक करिए। फिर आपको अपनी पासवर्ड यहाँ पे देना होता है। यहाँ मेरा पासवर्ड दिया हुआ है इसलिए आपको पासवर्ड नहीं मांगेगा। हमने अपना जो पैटर्न लॉक है उसको हमने ओपन कर दिया। देखिए अब ये इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे जो देखिए ये दिया हुआ था कि क्रिएट ए न्यू अकाउंट, ये दिखा है नीचे, ये इसको आप टच करिए। यहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, कुछ भी, जैसे हमने लिखा कि मान लीजिए दी, ऊपर नीचे दिया चैमकॉइन, ठीक है। तो आप अपना नाम भी डाल सकते हो, मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम में कुछ भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट करिए, आप यहाँ पे बर्थडे डालिए, कुछ भी कुछ भी, जैसे हमने डाल दिया एक, मंथ दे दिया सितंबर, ईयर दे दिया 1990, जेंडर का मेल कर दिया, तब इसको नेक्स्ट करिए। तो यहाँ पे आप कौन सी नाम का ईमेल आईडी बनाना चाहते हो, यहाँ पे एक ऑप्शनल कोई भी आप डालिए। जैसे कि मैं डालता हूँ दी चैमकॉइन, ठीक है। तब नेक्स्ट करते हैं इसको। देखिए ये बता रहा है कि दी चैमकॉइन नाम की ईमेल जो है ऑलरेडी बन गया है, आप नहीं बना सकते हो। तो आपको ये जो 3 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये 3, ये इसको, ये अवेलेबल है, इसमें से कोई भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए टी चैमकॉइन और चैमकॉइन द और चैमकॉइन टी, ये लिखा था, मैं पहले वाला ले लेता हूँ, हमको बस याद रखनी होती है हमें अपनी ईमेल, ये टी चैमकॉइन, ठीक है। आप नेक्स्ट कर देते हैं। अब कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे चूज कर सकते हो अपने मन का, ठीक है। अब पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए और कंफर्म पासवर्ड करना पड़ता है फिर दोबारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे फ़ोन नंबर मांग रहा है, फ़ोन नंबर देना ज़रूरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ आई एग्री कर दीजिए और यहाँ पे भी आप नेक्स्ट कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे एक मेल आईडी और प्लस हो गया, टी चैमकॉइन @gmail.com। अभी जो पासवर्ड मैंने डाला था वो मेरा पासवर्ड है। तो अभी आप इस ईमेल आईडी से आप जाके वापस जाके अपनी वाइपर वीपीएन में
जब भी होगा, अगर वाइपर वीपीएन का डेटा ख़त्म होने वाला है तो वाइपर वीपीएन को ओपन करिए। ओपन करने के दूसरा अकाउंट बनाइए। कैसे बनाएंगे दूसरा अकाउंट? उसके लिए आपको सबसे पहले जो है ये वाइपर वीपीएन के सेटिंग में जाना पड़ता है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर लॉग आउट करना होता है, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद फिर आप यहाँ पे वो डाल सकते हो, ऐसे नहीं, आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। देखिए ये फ्री साइन अप लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पे फ्री साइन अप करिए। साइन अप करने के वाले वही वाला ईमेल आईडी डालिए, टी ठीक है, पासवर्ड जो भी आप डालना चाहते हो। जैसे हो जाता है आप ये क्रिएट ए अकाउंट करिए। अब उसी में एक ईमेल जाएगा मेरा कंफर्म करने के लिए, ठीक है। ये बता रहा है, देखिए कंफर्म अकाउंट, इस ईमेल में एक मेल भेजा है इन्होंने, तो उस लिंक को जाके मुझे कंफर्म करना है। तो देखते हैं मेल कब तक आता है। फ्रेंड्स अभी यहाँ पे मेल अभी नहीं आ रहा है, तो हम जाके मेल में चेक करते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं ऐसे, फिर जाके अपना जीमेल ओपन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है मेल, ठीक है। ये देखिए गोल्डन फॉग की तरफ से ये वाइपर वीपीएन, इसको कंफर्म करना होता है। ये देखिए मेल अभी आ रहा है, देखिए ठीक है। तो यहाँ आने के बाद ये आप ऐसे कन्फर्मेशन हो चुका है लगता है, फिर भी मैं चेक कर रहा हूँ एक सेकेंड। अच्छा नहीं, ये दूसरा मैसेज था, अभी हमको वो वाला अकाउंट टी चैम कॉइन इसको लॉगिन करना है। यहाँ देखिए गोल्डन फॉग की तरफ से ये मैसेज आ गया है, तो ये देखिए कन्फर्म अकाउंट, इसको जैसे हम कन्फर्म कर देंगे, अब वहाँ जाके हम देखेंगे वाइपर वीपीएन तो ऑटोमेटिक वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है, इसके बाद आप बैक कर सकते हो और वापस वाइपर वीपीएन में जा सकते हो। ये अब वही ईमेल एड्रेस और वही पासवर्ड जो यहाँ पे आप डाले थे डालोगे तो ये देखिए आपका बन गया, 1 GB मुझे मिल गया, देखिए ठीक है। तो इसी तरह से आप नए ईमेल बना के बार बार बना सकते हो। ओके सो थैंक यू।